हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का आज की इस रात की प्रार्थना में स्वागत है। हालेलुया, आइए आज हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें दिन भर संभाला है, उसकी स्तुति और बड़ाई करेंगे। हालेलुया, आज का इस रात के प्रार्थना में प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, और अपने जीवन को बदलने के लिए हम सभी को प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया, जैसे हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम गलत बातों में गिरे हुए थे, गलत बातों में पड़े हुए थे। हालेलुया, हम बुरा बर्ताव हर किसी से करते थे, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी बातें ऐसे होती है जिनमें हम फंसे हुए थे। हालेलुया, उन बातों में से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है और हमें बदलाव के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे तभी हमें उद्धार मिल सकता है। हालेलुया, हम अपने उद्धार को खोज सकते हैं। अगर हम प्रभु में आने के बाद भी अगर गलत चीजों में रहे और गलत बातों में हम गिरे पड़े रहे तो हमारा उद्धार खोज सकता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने मन को सुधारने की कोशिश करें। हालेलुया, दिन ब दिन प्रभु के वचन को पढ़कर वचन पर चलने वाला बने। हालेलुया, तभी हम प्रभु के उद्धार पाने वाले लोग हो सकते हैं। हालेलुया, और हमारा उद्धार रह सकता है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, और जब तक हम प्रभु हमें लेने के लिए नहीं आते तब तक हमें पवित्र रहना है। हालेलुया, और बाद में प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देगा, और उस समय हमें कोई भी हमारे जीवन में ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें पाप की ओर ले जाएगी। हालेलुया, क्योंकि हमें प्रभु उसकी इच्छा अनुसार जीवन देगा। हालेलुया, और हमें इस संसार में अपनी दौड़ को पूरा करना है, इस संसार में अपने आप को विश्वास योग्य बना के रखना है। हालेलुया, और प्रभु आप इस सारे कामों में आपको मदद करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि प्रभु हमें मदद कर, हमें बुद्धि समझ दे कि हम अपने जीवन को सुधार सके, हम अपने जीवन को बदल सके। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी सृष्टि के मालिक आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीहा, आपके बेटे बेटियों को आप छू लीजिए, और जो बेटे बेटियां इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ये मांग रहे हैं आपके पास परमेश्वर पिता, पवित्रताई के लिए प्रभु, बुद्धि और ज्ञान। हम सभी को मदद करना मेरे पिता परमेश्वर, सच में हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु हमने अब तक मेरे खुदावन जो भी पाप किए, जो भी परमेश्वर पिता गलत नजरिए से परमेश्वर पिता जिस भी बात को परमेश्वर पिता हमने देखा है, हम माफी मांगते हैं। प्रभु हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए और प्रभु शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आप हम सभी को आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु। कोई भी शैतान की बातों में हम फंसे ना रहे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर स्थिर और अड़े और खड़े रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बंधनों को तोड़ दीजिए, जो भी परमेश्वर पिता बंधन है उन बंधनों को तोड़ दीजिए। हमारे मन में बदलाव लाने के लिए मदद कीजिए, पवित्रताई में चलने के लिए मदद कीजिए। प्रभु लोगों ने हमारे बारे में कहना चाहिए कि सच में इनमें कुछ तो बदलाव हुआ है, कि जब से प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं तब से इनके जीवन में बदलाव होने लगा है। हालेलुया, पिता परमेश्वर मदद करना, मदद करना, मदद करना। हालेलुया, हमारी और देखकर मेरे खुदावन दूसरे लोग भी बदले मेरे पिता परमेश्वर, दया करना, दया करना। थैंक यू जीसस, प्रभु आपने हमारी परिस्थिति को बदला, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपके आगमन के लिए आप हम सभी को तैयार बनाइए, जो बेटे और जो आपकी बेटियां है उन सभी को परमेश्वर ब्लेस किया है, धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है, और अपनी दौड़ को जब हम पूरा करेंगे सच में, तब हमें स्वर्ग में आप परमेश्वर पिता, प्रभु आपने हमारे लिए जगह तैयार की है, उस जगह में हमें प्रवेश मिलेगा। हमें मदद कीजिए प्रभु, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, आराधना में आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु दिन ब दिन वचन को पढ़ने के लिए। धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमेन।